अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। जी तो आज मैं बनाऊंगी चिकन यखनी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पाव मैंने चिकन लिए, हड्डी वाली चिकन ली है, अदरक लिया है मैंने, आधा टुकड़ा अदरक का लिया है, 6-7 कली मैंने लहसुन की ली है। नमक आप हसब ज़रूरत लें, और गर्म मसाले मेरे पास दालचीनी और लौंगें। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच या आधा चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया। एक पॉट में मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी, अदरक लहसुन और लौंग दालचीनी नमक, ये डाल के मैं इसको पकने रख दूँगी 2 से 2.5 घंटे के लिए। ये यखनी हर एज के लोग पी सकते हैं, बड़े छोटे बूढ़े। ये यखनी बहुत ही मुफीद है जोड़ों के लिए, पट्टों के लिए, इनको मज़बूत करता है। देखिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई कर दिया। एक उबाल आने के बाद मैं इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी और 2 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। देखें 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा यखनी। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में हर बच्चों को बड़ों को नज़ला खांसी ज़ुकाम है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे सीना साफ़ होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च डाल के पी सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है काली मिर्च का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।